आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो एक प्लैंक है जो कि यूनिफॉर्म्स, अच्छा तो ये एक प्लैंक है, उसके ऊपर मैंने एक यूनिफॉर्म स्फीयर लिख रखा है, ठीक है। रेस्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, तो ये जो वाला जो सरफेस है ये स्मूथ है। प्लैंक इज पुल्ड राइट बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ, तो जो प्लैंक है उसको मैंने राइट में पुल करा है बाय अ प्लैंक फोर्स एफ ऑन इट। इफ द स्फीयर डज नॉट स्लिप ऑन द प्लैंक, तो जो स्फीयर है वो स्लिप नहीं कर रहा प्लैंक पे। एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर इज लेस देन दैट ऑफ द प्लैंक, पहला पार्ट में को बोल रखा है कि जो मेरी स्फीयर की एक्सेलरेशन होगी वो लेस होगी प्लैंक की एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर इज लेस देन दैट ऑफ द प्लैंक, ठीक है। तो आपको पता है कि जो इस पे फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है, जो कि होगा म्यू एन, है ना, म्यू एन। तो आपको पता है जो म्यू एन है वो लेस देन और इक्वल टू एफ है, ठीक है। तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ द स्फीयर का वो एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू होगा एफ का, एक्चुअली इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ होगा, ठीक है। तो म्यू एन है यानी कि इसका जो इस साइड में फ्रिक्शन है वो ऑब्वियसली कम होगा, है ना, जो इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर है। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज लेस देन दैट ऑफ द प्लैंक, ओके। अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या कह रहा है। The acceleration of the center of the sphere is greater than that of the plank because friction acts rightwards on the sphere. नहीं, ये ऑप्शन तो गलत हो गया फिर। अगर ये वाला ऑप्शन ठीक है तो ये वाला ऑप्शन गलत है। Acceleration of the center of the sphere may be towards left. तो ये ऑप्शन ऑब्वियसली गलत है। देखिए, अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में खड़ा होकर देखूं तो ये मेरा जो स्फीयर है एक उसको एक आगे की तरफ फोर्स कर रहा है, ठीक है। और ये जिसके ऊपर रखा है मैंने स्फीयर वो भी आगे की तरफ इस साइड मूव कर रहा है। तो दोनों एक्सेलरेशन जो है इसकी, जो नेट एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी वो ए ऑफ स्फीयर प्लस ए ऑफ प्लैंक हो जाएगी और दोनों की डायरेक्शन है राइटवर्ड्स, ठीक है। तो ये जो मेरा ब्लॉक होगा ये ऑब्वियसली राइटवर्ड्स मूव करेगा, लेफ्ट में कैसे मूव कर लेगा भाई, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर रिलेटिव मे बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्लैंक रिलेटिव टू द फ्लोर। अब रिलेटिव टू द फ्लोर देखें तो जब फ्रिक्शन जो हमारा फोर्स है वो लेस देन म्यू एन है, ठीक है। अगर हम देखें तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस वाली ब्लॉक पे तो एक से नहीं करने की जरूरत ही नहीं, हमने पहले वाले केस में ही देख लिया था कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर वो लेस देन प्लैंक हो गई। तो ये वाला तो ठीक हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो सिर्फ एक ऑप्शन ठीक है इसका, ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।